such that the same lecture can be given to you. Recording भी on कर दिया है, बाद में आपको refer करने के लिए यही lecture after 48 hours I will mail it to you, such that बीच में कहीं किसी का भी disconnect या कुछ भी हुआ है तो आपको मिल जाएगा. चलिए fine, gravitation. Lecture 1. इस लेक्चर 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव है आज कवर करना दो चीज. फर्स्ट, जो फंडामेंटल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, स्कूल में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत. और सेकेंड ऑब्जेक्टिव है ग्रेविटेशनल फील्ड. इन दो टॉपिक को आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने का. सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि एनी टू पॉइंट मास व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ऐसा कुछ पढ़ते थे, सबको मालूम है. सबसे पहले जनरल फॉर्म में ये एक पॉइंट मास है और ये एक दूसरा पॉइंट मास है. ये पॉइंट मास M1, ये पॉइंट मास M2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है. तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों इक्वल अपोजिट होगा. दे बोथ आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर, सो देयर डायरेक्शन विल बी एज शोन. सो दिस फोर्स इज जी, मैं वो सब नहीं लिखा रहा क्योंकि स्कूल में आप पढ़ चुके हो इस लॉ का स्टेटमेंट फॉर्म कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो वो आप लोग स्टेटमेंट खुद लिखिएगा. ये आपका फोर्स है. अब इस फोर्स में जो जी है, कैपिटल जी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10^-11. 6.67 into 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो ये फंडामेंटल वी हैव स्टार्टेड विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये तो इतना स्कूल में आपने किया ही होगा. इसके आगे हम लोग अभी करते हैं. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, 2 मिनट है आपके पास. शुरू के 2 पॉइंट मैंने लिखा. आज का ऑब्जेक्टिव है कि आज हम लोग क्या कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में. बाकी ये फंडामेंटल फिर इसको कॉपी कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आगे.
इरेज करूं? चलिए फाइन, अब ये तो फंडामेंटल है। इसी न्यूटन्स लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कहने का मतलब है, सपोज ये एक पॉइंट मास है मास m1, ये एक पॉइंट मास है मास m2, या तो हम दोनों का इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देम पोजीशन वेक्टर के टर्म में बता सकते हैं। सो m1 का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए है r1, सो दिस r1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 and this r2 is position vector of 2. It means position of 2 with respect to 1, position of 2 with respect to 1 in vector form, this is r2 minus r1. Now if we are thinking of calculating force acting on m2 due to m1, then in that case this force will have magnitude nothing but g m1 m2 upon mod of r2 minus r1 whole square, and in which direction? That is direction opposite to that of the position of 2 with respect to 1. So here it is minus sign and here it is r2 minus r1 vector k along unit vector. More precisely, this will become F is equal to minus G M1 M2 upon R2 vector minus R1 vector का whole cube, और यहां फिर हो जाएगा R2 vector minus R1 vector, because unit vector is nothing but vector divided by its magnitude. So apart from that algebraic relation, जो आप लोगों को ज्यादा काम आएगा 11th में अभी, वो ये vector relation काम आएगा, क्योंकि इसमें vector form है। दूसरा आपको याद ध्यान ये रखना है कि vector form में अगर देखोगे तो r2 minus r1 के whole cube के inversely proportional दिखेगा। algebraic relation में distance के square का inversely proportional दिखता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो आप याद रखिए। इसको और ज्यादा अगर हम जनरलाइज कर दें तो ऐसे कह सकते हैं दिस फोर्स F इज इक्वल टू, दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इन जनरल दिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा G M1 M2 अपॉन R क्यू, that is position of force on one due to position of one with respect to two, इसका whole cube, और यहां पर vector हो जाएगा r12
विथ माइनस साइन, ये एक जनरल फॉर्मूला ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये वाला कुछ और नहीं, यही था, नया कुछ भी नहीं है। सर एक डाउट था पूछो सर, मतलब सर वो आर टू माइनस आर वन वाले वेक्टर के अलोंग तो एक ही डायरेक्शन होगी ना, लेकिन फोर्स तो म्यूचुअली एक्ट करता है दोनों के बीच में। अरे तो भाई साहब ये है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो ये वेक्टर भी चेंज हो जाएगा ना, उस केस में आर वन माइनस आर टू हो जाता। हाँ समझ गया तू। और कैसा है सुधीर, बहुत दिनों बाद तेरी आवाज सुन रहा हूँ। हाँ और किसी को कोई छोटा डाउट हो तो वन बाय वन पूछ लो, एक साथ माइक्रोफोन ऑन करोगे तो दिक्कत होगी, बट मुझे लगता है इस बोर्ड वाले टीचिंग मोड में डाउट बता सकता हूँ मैं। किसी को पूछना है तो वन बाय वन पूछ लीजिए, कोई जेन्युइन डाउट दिखता है, थोड़ा बहुत हो तो छोड़ भी सकते हो। नहीं ठीक है। अब इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का लिमिटेशन क्या है, इसको इरेज करूं? नहीं सर एक मिनट, एक मिनट कॉपी करती हूं। जब पूछा हुआ हो जाए तो माइक्रोफोन ऑफ कर देना। Shall I erase the board? Okay. अब देखो, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का लिमिटेशन ये है कि इस फॉर्म में, जिस अलजेब्रिक फॉर्म में आपको दिख रहा है F is equal to G M1 M2 upon R square, इस अलजेब्रिक फॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हमारा सिस्टम ऑफ मासेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, उस समय अगर इसको हम लोग यूज करने जाएंगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत होगी का मतलब ये है कि मान लो एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और दूसरा कोई और सिर्फ साइड का है, आप अगर अपने मन से ये दिमाग लगाने लगे कि दोनों के सिस्टम का, दोनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास लेकर उसको पॉइंट मास मान लेते हैं और फॉर्मूला जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर लगा देते हैं, तो उन दोनों के बीच म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, रादर ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सो फर्स्ट लिमिटेशन यू मस्ट कीप अ नोट ऑफ इट इज एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। दिस अलजेब्रिक फॉर्मूला is applicable for system of two point masses only. Secondly, अगर point mass नहीं है, अगर point mass नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे? तो जैसे अभी तक सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन ये सब में बहुत करके आए हो कि सिस्टम ऑफ, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है तो उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास सिस्टम में पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का मेथड लगाते हैं। सो सेकेंड पॉइंट विच इज टू बी रिमेम्बर्ड इज इफ देयर इज, क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से, इफ देयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम एंड
देन मेथड ऑफ कैलकुलस शुड बी यूज फॉर calculation of gravitational force of attraction. Copy कर लीजिए इसको, एक बार चेक करूं पार्टिसिपेंट में कौन कौन आया है, कौन कोई गायब भी है क्या, जितने नाम मुझे याद है देख लूं। अरे वाह, आयरन मैन दिख गया मुझे, आर्य मैन अग्रवाल सही, और कौन कौन, देखिए 1+60 है, पता नहीं कौन है, संप्रीति भी दिख गई, सुतीर्थ तो आवाज ही सुन लिया मैं, गुड मॉर्निंग हो गया मेरा सुतीर्थ का आवाज सुन के। बहुत बढ़िया, कॉपी कर लीजिए तब तक। फिर इस पे बेस दो क्वेश्चन, एक पॉइंट मास के लिए और एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए एक एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, देन यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। चलिए इरेज करूं, अब एक क्वेश्चन पॉइंट मास सिस्टम का देखते हैं और एक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का देखते हैं। पॉइंट मास सिस्टम का मतलब है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज ये तीन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, क्वेश्चन इज इफ थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मतलब नहीं लिखा हुआ है मीन्स पॉइंट मास है, ईच ऑफ मास एम is moving on a circular path of radius r, then find distance between them.
सो मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ मीन्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज ओनली, ये कहने का मतलब है. और नहीं तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम फुल स्टॉप मीन्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज ओनली, और कोई फोर्स नहीं है. कोशिश कीजिए, सिंपल सा है, हो जाएगा. सर रूट थ्री आर आंसर बता रहे हो, पता नहीं मैं दिया हूँ आंसर तो कौन दिनेश था. हाँ सर. अरे वाह, देखो तुम्हारी आवाज परेशान किया मैं. सब लोग ध्यान से देखें, जिसका हो गया वो भी देखो, जिसका नहीं हुआ वो भी देखो. जैसे ही मैंने कहा ये एक आदेश सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ओनली बिकॉज ऑफ सिंगल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तीनों के पास इक्वल है. इसमें ये तीनों मिलाकर सिमेट्रिकली एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा फॉर्म करेंगे. ये एक मास हो गया M, ये एक मास हो गया M, ये एक मास हो गया M. मान लो उसके बीच का डिस्टेंस ये है. इसी एक के डायनामिक्स को अगर देखोगे तो इस पर फोर्स F इधर लगा, इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स F इधर लगा और ये रेडियस R है. तो सबसे पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये 50 डिग्री होगा, इसी डायरेक्शन में होगा और यही रिजल्टेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करेगा. सॉरी अभी मुझे ध्यान आ रहा है उसमें मुझे स्पीड भी देना चाहिए था, कितने स्पीड से मूव कर रहा है.
रहा है तो वो एक फील्ड मान लो बी है, इसका मतलब है कि दो एफ दो फोर्स अगर सिक्सटी डिग्री पर है और दोनों आइडेंटिकल है तो उसका रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 दैट इज एफ रूट 3 होगा। ये जो फोर्स है रिजल्टेंट एक पर लग रहा है वो रूट 3 एफ है और यही रूट 3 एफ रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो ये हो गया रूट 3 एफ इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। अब अगर केवल रेडियस निकालना है मुझे, ये एक तरीका है केवल रेडियस या डिस्टेंस निकालना है वो तो ज्योमेट्री से मिल गया है, और कोई पूछे स्पीड कितनी होगी तो वो भी बता सकते हैं। तो ए पार्ट में मैंने कहा था केवल रेडियस निकालने के लिए वो तो ज्योमेट्री से मिल गया, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये डिस्टेंस है आर, तो ए इज इक्वल टू 2 आर कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो ब्रेक करके दिया ताकि वन बाय वन आप निकाल सके, तो ये जो 30 डिग्री होगा cos 30 मतलब रूट 3 बाई 2 a की वैल्यू हो गई रूट 3 r। अब जैसे ही मुझे a मिल गया अब इसका स्पीड v भी मिल जाएगा, तो b पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिस्टेंस ए निकालने में किसी को दिक्कत है? खुद को अनम्यूट करके पूछ लो अगर डिस्टेंस ए निकालने में कोई दिक्कत है तो, और डिस्टेंस ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं है तो स्पीड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वी भी निकाल लीजिए, सर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ये हमने सिमेट्री के बेसिस पे बोला, सिमेट्री के बेसिस पे बोला क्योंकि तीनों का मास आइडेंटिकल है, तीनों सेम रेडियस आर के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब है तीनों पर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और तीनों पर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन मींस टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल वो सेम होगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो और उनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन कांस्टेंट हो, मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल ही पॉसिबल है अदरवाइज नहीं। ठीक है सर, स्पीड भी जरा खुद से करके बताओ मुझे, होल रूट जीएम बाय रूट 3 आर। गणेश ने बताया, हाँ सर करेक्ट होगा, मैंने आंसर याद नहीं, मैंने चलो बाकी लोग देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 एफ की जगह लिख दिया जी एम वन एम टू दैट इज जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये है हमारा रूट 3 आर। तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो रूट 3 जी स्मॉल एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मींस 3 आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये एक आर कैंसिल हुआ, ये एक मास एम कैंसिल हुआ, ये रूट 3 टाइम्स ऐसा हो गया, तो वी की वैल्यू मुझे मिल गई अंडर रूट जी स्मॉल एम अपॉन रूट 3 आर। ऐसा
साइन को आंसर आया था? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा एक और एक बात बताओ ऑनेस्टली, कि अभी आपने केमिस्ट्री और मैथ का क्लास वो स्क्रिबलिंग मेथड से करके देखा होगा, सर ले रहे थे, वो ज्यादा सही लग रहा है या ये व्हाइट बोर्ड वाला ज्यादा सही लग रहा है? दोनों में से जो भी होगा भाई हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर जब तक की क्लास। सर व्हाइट बोर्ड वाला ज्यादा इजी है, मतलब इजी मींस आवाज आने के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी चीज से अगर ये वाला मेथड ज्यादा सही लग रहा है तो यही मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर से वो वाले मेथड पे शिफ्ट हो जाएंगे जो सब लोग स्क्रिबल करके करते हैं वैसा वाला। सर मुझे ये वाला अच्छा लगा, ये वाला ना? हाँ ठीक है सर, व्हाइट बोर्ड वाला। मैं कोशिश करता हूँ अगली बार से व्हाइट बोर्ड को भी और बड़ा कर दूं। ठीक है आगे बढ़े, इरेज करो। अब एक क्वेश्चन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम वाला। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मतलब है सपोज सिंपलेस्ट ऑफ इट्स काइंड, दो करते हैं पहले, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, दिस यूनिफॉर्म रॉड इज हैविंग लेंथ एल एंड मास एम एंड there is another point mass a small m which is kept at a distance let's say r from center of the rod, usi line mein jaisa dikh raha hai. Find force of attraction between them. कोशिश कीजिए, बोलो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इनटू आर प्लस एल लाइक ऑलवेज मुझे आंसर याद नहीं रहता, ठीक है मुझे आंसर याद नहीं रहता, सॉल्व करके देखूंगा जैसा आएगा आएगा, बट मोस्टली ठीक होगा, इंटीग्रेट किया है ना ठीक नहीं होगा। एक बार डायमेंशनली चेक कर लो सही बोल रहे हो आंसर वो है या नहीं। हां तो डायमेंशनली सही है, सही है। हां हां तो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि सही ही होगा।
ट्राई कर लिया होगा। देखिए ऐसा करते हैं, यहां से इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dx एलिमेंट लेते हैं, या यहां से भी यहां से लेते हैं, स्मॉल यहां से x डिस्टेंस पर छोटा सा dx एलिमेंट लेते हैं। तो ये जो dx एलिमेंट का पॉइंट मास हुआ, ये इसके ऊपर जो फोर्स dF लगाएगा, इस dF फोर्स के लिए अब ये सिस्टम ऑफ टू पॉइंट मासेस हो गया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का अलजेब्रिक फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, दिस df इज इक्वल टू g स्मॉल m d ऑफ कैपिटल m अपॉन x स्क्वायर। एज फार एज दिस d ऑफ कैपिटल m इज कंसर्न, दिस d ऑफ कैपिटल m इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dx। सो g स्मॉल m अपॉन x into m upon l, that is mass per unit length into length dx. So this df will become g small m capital M upon l dx upon x square. अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे x is equal to r minus l by 2 to से लेकर r plus l by 2 तक, तो हम लोगों को net force मिल जाएगा। So net force F will become G small m into capital M upon L integral of dx upon x square. X की limit हो जाएगी R minus L by 2 से लेकर R plus L by 2 तक। Bottom of the board दिख रहा होगा, मुझे लगता है हाँ दिख रहा है। तो यहाँ के बाद integration आप खुद कर लीजिए। तो G small m capital M upon L 1 by x square का integral minus 1 by x, so minus 1 by x, lower limit is r minus L by 2, upper limit is r plus L by 2. So simplify करने के बाद वो answer कुछ ऐसा होना चाहिए, g small m capital M by L और ऊपर r minus l by 2 r plus l by 2 दोनों करोगे तो शायद l आएगा, और नीचे हो जाएगा r square minus l square by 4 a plus b into a minus b। एक बार चेक कर लेना गणेश, यही आंसर था क्या? हाँ सर, सही है सर, यही आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर वो r क्या है? मेरे को r मतलब डिस्टेंस वो रॉड के राइट वाले एंड और m के बीच का डिस्टेंस है क्या? अरे सेंटर ऑफ द रॉड। अच्छा, सेंटर ऑफ द रॉड और पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस r है। सर वो लिखा नहीं था, सॉरी। ओ गधे, या तुझे क्या लगता है, दूर बैठा हूँ, गला नहीं दबाऊंगा, दबा दूंगा गला यहीं से। Thank you.
तेज करो। बीच बीच में मेरा कैमरे का एडजस्टमेंट थोड़ा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का ही पॉइंट मास वाला तो आप लोग मोस्टली कर ही लोगे। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का ही एक एक्सप्रेशन कीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है रिंग है, इसी में लेवल ऑफ डिफिकल्टी धीरे-धीरे चेंज करेंगे। एक बार डिफिकल्ट वाला दे दूंगा तो ये उसका सेंटर है, रेडियस इसका आर है। इस सेमी सर्कुलर रिंग का टोटल मास कैपिटल एम है और इसके सेंटर पर एक पॉइंट मास स्मॉल एम रखा हुआ है। वेक्टर फॉर्म में देखो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये सेंटर है आपका ओरिजिन। वेक्टर फॉर्म में देखो तो आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम।
एक्सरसाइज कीजिए. फाइंड नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय कैपिटल एम बाय स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम. मतलब ये स्मॉल एम कैपिटल एम पर नेट फोर्स कितना और किधर लगा रहा है ये आपको. सर 2g कैपिटल m इनटू स्मॉल m बाय पाई r स्क्वायर. कौन समीप है? नहीं सर आशीष. कौन सॉरी? आशीष. अच्छा आशीष प्रसाद. हाँ सर. उदय महाजन तुम्हें सर आंसर इज जीरो. नहीं बेटा जीरो आंसर नहीं है. आंसर देखते हैं जो भी आ गया. Along है सर फोर सारे जी एम एम अपॉन एल आर. हाँ सर वो गलती. एक मिनट सर. जी एम एम पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर. हाँ का ये मतलब अलग है ना. स्मॉल एम का कैपिटल. हां सर y एक्सिस के अलोंग. हां y एक्सिस के अलोंग gmm / pi r स्क्वायर. अरे वाह. बंद समृद्धि ने बोला. हां सर. अरे वाह. और ये भाई क्लासरूम में नहीं पहुंचती है. क्लासरूम में तो जब भी बोलती है मुझे पांच बार पूछना पड़ता है क्या बोला क्या बोला. यहां तुम्हारी आवाज एकदम बिल्कुल सही पहुंच. लाइव लेक्चर भी होगा तो घर से ही अटेंड करना. आवाज तुम्हारी क्लियर आती है. ठीक है सर. चलो देखो बाकी लोग आंसर देखो. इसमें यहाँ पर मान लो थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लिया तो ये जो पोर्शन है इसका लेंथ होगा आर डी थीटा. इतने पोर्शन में जो मास होगा उसको हम लोग एक पॉइंट मास अगर कंसीडर करें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होगा. लेट इट बी डीएफ. इस डीएफ के दो कंपोनेंट होंगे डीएफ कॉस थीटा अलोंग एक्स और डीएफ साइन थीटा अलोंग वाई. तो हम लोग इस फोर्स df को लिख सकते हैं df cos थीटा i कैप प्लस df sin थीटा j कैप. कोई तो बोल रहा है क्या? कोई कुछ बोल रहे हो इसलिए मैं रुक गया. मुझे ऐसा लगा somebody is interrupting. कुछ कहना है तो बोलो. अब ये df की वैल्यू हमारी हो जाएगी g small m into d of capital m upon r square.
ये हो जाएगा जी स्मॉल एम डी और कैपिटल एम को लिख सकते हैं कैपिटल एम अपॉन टोटल लेंथ एल व्हिच इज 2 पाई आर बाद में पुट कर देंगे तो एम बाई एल आर स्क्वायर और इस dx लेंथ को लिख सकते हैं आर डी थीटा सो फाइनली दिस विल बिकम जी स्मॉल एम कैपिटल एम ये एक आर कैंसिल हुआ एल को 2 पाई आर एल को पाई आर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी थीटा इस df को हम यहां से उठा के यहां और यहां दो जगह सब्स्टिट्यूट कर दें और थीटा का लिमिट 0 से पाई तक रख दें तो ये रूट मिल जाएगा तो इस df को यहां पुट कर देंगे अगर तो मुझे लगता है रेड से दिक्कत होगी सो ये हो जाएगा मेरा g small m capital m upon pi r square cos theta d theta और ये हो जाएगा g small m capital m upon pi r square sin theta d theta from 0 to pi ये हमारा i cap में ये हमारा j cap में common sense है कि cos का इंटीग्रल साइन होगा तो 0 भी 0 होता है पाई भी 0 होता है तो ये टर्म आई कैप वाला तो 0 हो गया इधर j कैप वाला अगर हम देखें तो साइन का इंटीग्रल माइनस cos cos पाई माइनस 1 और cos 0 प्लस 1 तो दोनों मिला के 2 तो ये मेरा हो जाएगा 2i's और g स्मॉल m कैपिटल m upon pi r square j cap ऐसा कुछ आंसर आया था तब वो L में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था क्या कंफ्यूजन हो रहा था तो वो L आपने किसको रिप्रेजेंट किया है अरे ये टोटल लेंथ ऑफ द आई मीन सेमी सर्कुलर स्ट्रिप जो दिख रहा है इसका टोटल लेंथ L है तो ये L क्या होगा क्या बराबर होगा पाई आर होगा क्या है L इज इक्वल टू पाई आर और ये यहां से यहां तक का टोटल आर्क लेंथ है सेमी सर्कुलर उसका मास m है तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा m by l और बाद में इस l को pi r पुट कर दिया
बढ़े। यही क्वेश्चन सेम, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए इसी को दो तीन फॉर्म में कराने की कोशिश करता हूं। सेम क्वेश्चन, अब ऐसा कर देता हूं कि ये क्वार्टर सर्कल है, मैं ये आर, ये आर, ये आपका वही यूनिफॉर्म जो भी समझ लो, एक रॉड है जिसको बेंड करके एक क्वार्टर सर्कल बनाते हैं, इसका मास m है, यहाँ पर एक पॉइंट मास m है, इसमें भी इसको x एक्सिस ले लीजिए, इसको y एक्सिस ले लीजिए, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया मैं और कुछ नहीं। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय small m on capital M. अच्छा एक चीज और ध्यान दो, हम लोग कैपिटल एम ऑन ए स्मॉल एम निकालते हैं, बट न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों इक्वल अपोजिट होगा। एक चीज और जस्ट ध्यान दो, पिछले बार वाले क्वेश्चन में स्मॉल एम पर फोर्स प्लस जे कैप में आया था, बट मैंने पूछा था फोर्स ऑन कैपिटल एम ड्यू टू स्मॉल एम, तो वो इक्वल अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा बट माइनस जे कैप में होगा, जस्ट अभी याद आया मुझे मिटाने के बाद। बात समझ आई? बोलो गणेश, सौम्यदीप, आशीष, सुधीर, मेरी बात समझ आई मैं क्या कह रहा था? हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा था फोर्स ऑन कैपिटल एम ड्यू टू स्मॉल एम, बट कैलकुलेट किया था फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम, न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों इक्वल अपोजिट होंगे, तो उसमें जो आंसर मुझे प्लस जे कैप में आया था वही आंसर होगा, सिर्फ डायरेक्शन माइनस जे कैप में होगा। ठीक है, वैसे इसको भी कोशिश कर लो, सिमिलर क्वेश्चन है। सर दोनों ही एम है, कौन सा मास मतलब फोर्स किससे? सर रूट टू जी एम एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, देखते हैं आंसर तो मतलब पता है मुझे, आगे रहता है देखते सर आंसर 2mm by pi r square i cap plus 2mm by pi r square j cap है क्या?
देखिए सब लोग देखिए इधर इधर देखिए यहां से थीटा एंगल पर फिर मैंने एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट ले लिया तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा ये फोर्स इधर होगा लेट इट बी डी है वेक्टर फॉर्म में इस डीएफ को लिखेंगे सेम एज बार बार नहीं लिखता मैं डी स्मॉल एम इनटू डी ऑफ कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर का कॉस थीटा कंपोनेंट आई कैप में और इसी का साइन थीटा कंपोनेंट जे कैप में ऐसा होगा इस डीएम को लिखेंगे हो जाएगा m by l into r d theta that is m upon l l को लिख देंगे ये 1/4 of 2 pi r है तो 2 pi r by 4 मतलब pi r by 2 ये ऐसा हो गया r d theta ये r r cancel हो गया तो 2 m upon pi d theta हो गया इसको यहाँ substitute कर ये हो गया 2g small m capital M upon pi r square ये हो गया cos theta d theta i cap plus sin theta d theta j cap इसको दोनों और इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर pi by 2 तक तो आपका काम चलेगा आगे कुछ तो जल्दी करके देखिए कर लिया इंटीग्रेशन सबने नेट फोर्स में इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फोर्स एफ वेक्टर फॉर्म में हो गया 2g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा i कैप 0 से पाई बाय 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ sin थीटा d थीटा j कैप 0 से पाई बाय 2 cos का इंटीग्रल sin sin 0 sin 91 तो ये तो मेरा हो गया 2g small m capital m upon pi r i cap sin का इंटीग्रल minus cos तो minus cos करेंगे अगर तो minus minus plus 1 ये भी हो जाएगा ऐसा i cap plus j cap अब ध्यान रहे अगेन ये तो मैंने निकाला force on small m due to capital m बट क्वेश्चन में पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम तो क्या होगा इसी वेक्टर का सिर्फ हम साइन रिवर्स कर देंगे तो आवर आंसर शुड बी 2g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन पाई आर आई कैप प्लस जे कैप और यहां पर माइनस साइन ये आंसर हो गया कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो रूट टू टाइम्स हो जाएगा मतलब तो जो भी पूछे कर सकते बात समझ आई सबको इरेज करूं बोल रहा नीचे पाई आर स्क्वायर होगा कहां पर बेटा
जो आंसर आया हमें पाई आर किसी डिस्टेंस आर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी
कितना मास है तो कितना फोर्स लगेगा, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। मींस अगर हम पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच का ग्राफ ड्रा करेंगे तो आर इज इक्वल टू 0 पर इंफिनिटी, इंफिनिटी पर 0, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। एक्स और वाई एक्सिस इन दोनों के एजिम्यूथ होंगे। तो पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट का फॉर्मूला मिल गया। वैसे ही हम लोग धीरे धीरे लीनियर मास रॉड के लिए देखेंगे, रिंग के लिए देखेंगे, डिस्क के लिए देखेंगे, सॉलिड स्फीयर के लिए देखेंगे, हॉलो स्फीयर के लिए देखेंगे, ये सब देखते चलेंगे। बट अभी पॉइंट मास का फॉर्मूला तो आपको मिल गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ये होगा और डायरेक्शन हमेशा, अच्छा डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स कैपिटल एम होगा। याद करोगे वर्क पर एनर्जी में मैंने बताया था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्स पहचानने का एक तरीका बताया था कि अगर फोर्स सेंट्रल फोर्स हो, दैट इज पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट हो, तो वैसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कंट्रैक्शन हमेशा टुवर्ड ईच अदर है। जैसे इस केस में ये फील्ड अगर देखें तो दिस फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द पॉइंट वेयर कैपिटल एम इज कैप्ट। इट मींस ये ग्रेविटेशनल फील्ड है कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है कंजर्वेटिव फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स होगा। दूसरा तरीका ये एक सेंट्रल फोर्स है, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, वर्क पर एनर्जी में पढ़े थे आज आपको एक्सप्लेन किया। तो कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर तो जो इंटेंसिटी में नीचे हमने एफ वेक्टर बाय मास जो लिखा है, जो मतलब वो किसका मास हम लोग कंसीडर करेंगे? ये कैपिटल एम, इस पॉइंट मास के वजह से किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, वो वाला पॉइंट मास है ये। कैपिटल एम इज मास ड्यू टू व्हिच ग्रेविटेशनल फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। इन दिस एक्सप्रेशन कैपिटल एम इज द मास ड्यू टू व्हिच ग्रेविटेशनल फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। हाँ सर। सर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन क्यों किया, मतलब इसका पॉइंट समझ नहीं आया। फिर से बोलिए, नहीं समझ पाया मैं। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड जो इंटेंसिटी है वो हमने डिफाइन क्यों किया यहाँ पे, मतलब उसका पॉइंट क्या था? पॉइंट क्या था? बहुत बढ़िया, अभी आएगा, बताता हूँ पॉइंट दो मिनट में। ये पॉइंट बताने के लिए ही एक चीज बताता हूँ, दो मिनट, ये बोर्ड जैसे ही इरेज करता हूँ बताता हूँ इसका। रफ वे में वैसे तो सिखा दूंगा मोस्टली नहीं सिलेक्ट है, बट ऐसे ही सब। अगर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट 1 केजी का यहां पर है तो इस पर फोर्स लगा एमजी नीचे, दैट इज 10 न्यूटन प्रिसाइज। 2 केजी का होगा तो 20 न्यूटन, 3 केजी का होगा तो 30 न्यूटन। मतलब अगर मुझे किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मालूम है फील्ड की, तो वहां पर जितना भी मास रखे इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास, वो एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा नेट फोर्स के लिए, ग्रेविटेशन आए या नहीं आए। जैसे अभी तक आप लोग कहते थे ना कि ग्रेविटेशन मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एम इनटू जी, ऐसा हम लोग बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर से क्लास 8-9 से। जिसने पूछा था मेरी बात बताओ, वेट एमजी होता है ये मालूम है? हाँ। वो mg में जो स्मॉल g है ना, वो स्मॉल g जिसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, एक्चुअली वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। हाँ ठीक है, समझ आया? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, मतलब वो m मास का ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पर है, वहां की फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल g है, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg। Now this G will keep on changing from position to position. It means gravitational field intensity is being changed.
फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन टू पोजीशन तो हम लोग कहते हैं वेट इज कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन. तो एक्चुअल में सिंपलीफाइड वर्जन में हम लोगों को पढ़ाया जाता है और सही है गलत नहीं है बट एक पर्सपेक्टिव अलग है कि स्मॉल जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्चुअल में स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ. हां सर जो मैं बताया था जस्ट उसको एक बार उसी को बोल देता हूँ चलो वो बात में बताऊंगा. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो समझ में आ गया ये स्मॉल जी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ये बात समझ में आ गई. Intensity at a point on the axis of uniform ring. मैं नहीं करने वाला आप लोग खुद करेंगे. कहने का मतलब जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दो बच्चे ये फॉर्मूला है बट अब आप लोगों को इतना करने के बाद ये खुद रिवीजन हो जाएगा. मैं एक आध स्टेप सब करके छोड़ देता हूं कर दूंगा वैसे बट कोशिश. जैसे ये एक रिंग है यूनिफॉर्म रिंग है इसका मास कैपिटल एम और इसका रेडियस कैपिटल आर. वैसे समझो ये एक रिंग है इस रिंग का मास कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर. तो ये जो इसका एक्सिस है इस एक्सिस पर इसके सेंटर से इस डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये आपको ढूंढना है. कोशिश करोगे आप लोग या सीधा मैं ही कर दूं जैसा बोलो. कोशिश करेंगे इसने पूछा आदित्य दास ने कि एक्सेस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है. हाँ रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है. एक्सेस हमेशा रिंग का रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है उसी को एक्सेस कहते हैं. अदरवाइज बाकी सारे एक्सेस तो ऑब्लिक एक्सेस हो जाएंगे ना.
सर सर जी एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 हाँ सर जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ रहा है बाकी लोग ध्यान से देखो सपोज सेम स्टोरी यहां पर अगर कोई हम एलिमेंट्री मास लेते हैं तो इसका फील्ड इधर होगा DE इस DE का ये एंगल थीटा तो कांस्टेंट है तो DE cos थीटा इधर होगा और DE sin थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल होता जाएगा ये बात समझ में आ रही है ये sin थीटा वाला कंपोनेंट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे और cos थीटा वाला कंपोनेंट ऐड होता जाएगा सो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ DE cos थीटा i कैप विद माइनस साइन इस DE को अगर लिखेंगे तो ये DE हमारा होगा g पॉइंट मास के लिए gm by r square होता था तो m की जगह dm और r square की जगह ये r है ये x है तो ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट r square plus x square तो ये हो जाएगा अंडर रूट r square plus x square का होल स्क्वायर इनटू cos theta cos theta इस ट्रायंगल में क्या होगा b by h that is x upon this much यहाँ पे अगर put करेंगे तो ये हो गया minus integral of g dm upon under root r square plus x square into cos theta that is b by h so x upon x upon under root r square plus x square यहाँ पर r और x दोनों कांस्टेंट है केवल m वेरिएबल है तो आई मीन dm वाला टर्म ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 i कैप ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला यही आया था सबको पास सर हाँ सर सबने लिख लिया तो मैं एक इससे आगे बोलूं इसमें अब एक बात बताओ x is equal to zero that is center of plane पर तो zero आ गया वो common sense से भी बता सकते थे और इस मैथमेटिकल फॉर्मूला में भी x is equal to 0 पुट करते हैं तो 0 आता है तो सेंटर ऑफ प्लेन पर 0 है आगे उधर इंफिनिटी पर 0 है तो इसका मतलब है बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ होगा हाँ है ना तो आपको वो लोकेशन ढूंढना है जहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है तो आप खुद से ढूंढ के बताइए मुझे पहले तो ये कॉपी कर लीजिए
उसके बाद नोट में फाइंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस एट विच फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. ये कॉपी कर लीजिए, फिर नोट में ये कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए. सर, x is equal to r by root 2. R by root 2. बहुत बढ़िया, अरे वाह एक लाइव क्लास में स्टैंडर्ड वन का बच्चा बैठा हुआ है मेरे सामने लाइव क्लास में. ये कहता है कि पापा आपने रिंग की जगह ओवल बना दिया. आंसर गर्लफ्रेंड ही मिलेगा. इरेज करूं? सर एम जी एम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं. सॉरी
AMGM से डायरेक्ट निकाल सकते थे ना? हाँ, AMGM से भी निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, उससे भी निकाल सकते हैं सर। AMGM भी करेंगे, उससे भी निकाल सकते हैं। सर वो एक डाउट पूछा था मैंने, बहुत अजीब सा डाउट है, तो आप एक बार देख लो ना। क्या चैट में पूछा है? हाँ सर। देखा नहीं मैंने, मैं बोल पे हूँ, बोलना तू, ऐसे भी बता दूंगा, घबरा मत। नहीं सर, बहुत ज्यादा अजीब। अरे कोई नहीं, तू अभी क्लास में भी नहीं है, तुझे बाकी दोस्त भी मारेंगे नहीं, तू अपने घर में है। सर नहीं मतलब कोर्स के थोड़ा सा बाहर है, तो वो कोर्स के बाहर है। हाँ मतलब ग्राविटी से, मतलब ग्राविटी से ही रिलेटेड है, लेकिन इससे ही रिलेटेड है बस। तू जब जल्दी पूछ ले आएगा तो बताऊंगा, नहीं तो सॉरी बोल दूंगा, देखो हमेशा तुमको मैं तो बोल सकता हूं। सर एक बार देख लो ना चार्ट। भाई साहब मेरे से काम करवाएगा, बड़ा मुश्किल से मैंने अपना कैमरा बना रखा है। एक सेकंड रुक जा, वेयर इज चैट विंडो? अरे वाह यार, मजा कर दिया। बाकी लोग भी सुनो, ये कहता है कि ब्लैक होल सबको अट्रैक्ट कर लेता है, तो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा है, इसीलिए ब्लैक होल कहते हैं, व्हिच कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग बियॉन्ड इट्स डायमेंशन। नहीं नहीं सर, मेरा डाउट वो नहीं था, मतलब सर उसमें जो इवेंट होराइजन रहता है, अगर उसके बियॉन्ड कोई भी चीज होती है, लाइट भी नहीं मतलब बच पाती है उसके फोर्स से, तो क्या वही पॉइंट है जिस पे जीएफआई मैक्सिमम होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ वही तो बोला, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, बट वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को भी बेंड करने की ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक लाइन में तुम्हें मैं बता दूं या तुम सीख जाओगे। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट केवल और केवल ग्रेविटेशन से लेना देना नहीं है, उसके जो फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इंटरफेयर करके उसको भी बेंड करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए ये सब बियॉन्ड सिलेबस है, ये सब के चक्कर में मत पड़। इसको एरेज कर लो। तब पर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद फील्ड और भी ज्यादा बढ़ती है। सॉरी आवाज नहीं सुना मैं। इवेंट होराइजन के बाद फील्ड और ज्यादा बढ़ती है। तो जोर से बोलो ना। इवेंट होराइजन के बाद फील्ड और ज्यादा बढ़ती है। ब्लैक होल। क्या ब्लैक होल में कह रहे हो? हाँ। हाँ हाँ ब्लैक होल करेंगे, छोड़ देना उसको, जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है, इतना वन लाइन की बात नहीं है, वन लाइन की बात होती तो समझा देता, इसलिए मैं समझा के कर लिया, आसानी से नहीं समझ सकता। फ्रिज लाइन से स्कैटर्ड होते हैं, बहुत स्कैटरिंग होती है वहां पर, तो वैसे छोड़ दो उस बात। ये जो मैं बताया आपको, इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, अगर इसके ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करो, मींस इन टर्म्स ऑफ फार्मूला वी वर हैविंग E इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। फार्मूला के टर्म में ऐसा था, और वो माइनस आई कैप आई कैप समझ लो, क्योंकि उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं, प्लॉट करने की कोशिश करूं मतलब, यहाँ पर मान लीजिए मेरा एक रिंग है, ये इस रिंग की एक्सिस है, तो यहाँ पर फील्ड माइनस आई कैप में है, इसके इधर अगर पॉइंट होगा तो प्लस आई कैप में होगा, तो यहाँ पर फील्ड जीरो और इंफिनिटी पर भी फील्ड जीरो होगा,
इधर यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव एक्स में इन्फिनिटी पर भी जीरो होगा। तो इसका ग्राफ अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ कहीं होगा ये दोनों पॉइंट, ये हमारा हो गया आर बाय रूट टू प्लस और ये आर बाय रूट टू माइनस। इन दोनों पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। कॉपी कर लीजिए रिंग के केस में। कॉपी इसलिए करो क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपीट करेंगे तो ये सारे डेरिवेशन दोबारा से मैं नहीं करने वाला, उसमें केवल सिंबल चेंज हो जाएंगे और बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स का नेचर ऐसा ही रहेगा। इसलिए इस बार थोड़ा ध्यान से करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कम मेहनत करनी पड़ेगी। रेस करो आगे बढ़े। सो इन कंटिन्यूएशन विद द सेम जस्ट नाउ वी हैव डन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। नाउ इफ इट हैड बीन अ यूनिफॉर्म डिस्क, सो नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म डिस्क। Uniform disc means अब आपका जो रिंग था, रिंग में क्या था, मास यूनिफॉर्मली थ्रूआउट इट्स पेरिफेरी डिस्ट्रीब्यूटेड था। डिस्क के केस में ये मास थ्रूआउट इट्स सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। सो वी हैव अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R एंड ऑन इट्स एक्सिस at a distance x, there exists a point P at which gravitational field intensity is to be calculated. Ring की current calculate कर चुके हैं, तो बहुत आसान होगा, ये वाला करके देखिए जरा जल्दी 5 मिनट में।
are at 2 gm x upon root of r square plus x square. अगर हम देखें तो ये जो डिस्क है हमारा, ये डिस्क भी तो रिंग से मिलकर बना है, तो यहां पर अगर हम y रेडियस का और dy थिकनेस का एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर ले, तो इस रिंग के कारण यहां पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो तो बता ही सकते हैं, तो केवल इस रिंग के कारण फील्ड इंटेंसिटी dE लिखेंगे, तो माइनस gm, m की जगह dm, x, x यही रहेगा, अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो r की जगह हो जाएगा y, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2 लॉग माइनस i कैप, ये dE हमारा होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सर एक बार फिर से बता सकते हैं? एक बार फिर से ऐसे समझो, मैंने क्या किया, सेंटर से y डिस्टेंस पर dy थिकनेस का एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया, तो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप हमारा इस पॉइंट p के लिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग होगा। हाँ सर। सर बना माइनस जी डी एम बाय वाई वाइस पे, मतलब वो वाई के लिए जो, हाँ वो समझा सर, मतलब आपने इंडिविजुअल रिंग्स को अलग अलग लेके फिर इंटीग्रेट कर दिया है ना उनका जो। इंटीग्रेट किया ही नहीं मैंने, केवल एक रिंग के कारण लिखा है कि वाई रेडियस का अगर एक एलिमेंट्री रिंग लिया तो उस एक एलिमेंट्री रिंग के कारण इस पॉइंट पे पर ग्रेविटेशनल फील्ड का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं प्रीवियस एग्जांपल से। हाँ तो ये d हो गया। अब रही बात dm निकालने की, तो टोटल मास m है और सरफेस एरिया pi r square है, तो m upon pi r square इस मास पर यूनिट एरिया, तो केवल जो dm होगा ये हो जाएगा m upon pi r square multiplied by ये जो हमारा एलिमेंट्री रिंग बना इसका एरिया जितनी की मास है ब्लैक से शेडेड पोर्शन, दैट इज 2 pi y dy, ये पाई पाई गया, तो 2m by r square into y dy, ये हमारा dm हुआ। इस dm को यहाँ substitute कर दीजिए, इस dm को यहाँ से यहाँ substitute कर देंगे और फिर y को 0 से capital R तक integrate कर देंगे, तो total gravitational field intensity आपको मिल जाएगी। तो इस y को यहाँ substitute कर दीजिए, dm को माइनस जी डीएम की जगह लिख दिया 2m अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर x रहने तो y dy और नीचे फिर हो गया y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 बाय, ये पार्टी कर लेते हैं, माइनस 2 gm x अपॉन आर स्क्वायर, इधर हो गया मेरा y dy upon y square plus x square to the power 3 by 2 from 0 to r, ये हमारा e। कोई दिक्कत किसी को याद है? x constant है, y variable है, तो ये तो normal substitution है, y is equal to x tan theta, tan theta क्यों put करेंगे बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं ना, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y dy, तो ऊपर दिख ही रहा है, ये 2 को भी अंदर ले लो, तो कहां को सब्स्टिट्यूट करना है tan 1 का? अच्छा हां, है ना, आया समझ में? इसका डिफरेंशियल 2y dy तो ऊपर दिख ही रहा है, तो ये तो हो गया dx upon x to the power 3 by 2 का फॉर्म हो गया ना। हां, तो x to the 1 upon यानी कि x to the power minus 3 by 2 का इंटीग्रल, that is x to the power minus 3 by 2 plus 1 upon minus 3 by 2 plus 1, तो minus 3 by 2 plus 1 करोगे तो minus हाँ, तो minus 2 by root x ऐसा होगा, नहीं समझा?
माइनस जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर। चलो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था रफ वर्क यहाँ पर इतना करते हैं, मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसा कह रहा था कि let z is equal to y square plus x square. So dz is 2y dy. Means our integral ho gaya dz upon z to the power 3 by 2. That is integral z to the power minus 3 by 2 dz. That is z to the power minus 3 by 2 plus 1 upon minus 3 by 2 plus 1. That is z to the power minus half upon minus half. That is minus 2 root z. ये कह रहा है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू, यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू आर टू बाय रूट अपॉन आई, तो वन अपॉन दिस और वाई पे लिमिट लगाएंगे, मतलब वाई इक्वल टू जीरो एक बार और वाई इज इक्वल टू आर एक बार, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x upon r square और r put करोगे और zero put करोगे तो एक बार आ जाएगा one upon x minus one upon under root r square plus x square, ये formula थोड़ा सा difficult है जो याद रखना है, ये आया था आप लोगों में से किसी को? हाँ सर मेरा आया था किसी को? हाँ सर मेरा आया, हाँ सर हाँ सर वेरी गुड बहुत बढ़िया, इसका इसका आया था बहुत बढ़िया, बाकी लोग कॉपी कर लेंगे एक बार। सर एक मिनट सर, इसके साथ एक नेगेटिव साइन भी होगा ना? हाँ मतलब डायरेक्शन अगर लोगे तो नेगेटिव साइन माइनस आई कैप में वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस आई कैप का नेगेटिव साइन में लिखो, मैग्नीट्यूड के टर्म में ये होगा। ओके ओके तो
सर 2/3 gmx/r पर है क्या? हेलो मैंने ये क्वेश्चन लिया दो बातें सिखाने के लिए, एक बार सब लोग क्वेश्चन कर लो, कुछ तो आंसर आओ फिर बताता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन दिया एक चीज सिखाने के लिए, सिखाने का क्या है ध्यान से सुनो। तब मैं पहले तो एज ए स्टूडेंट अपनी बात कहता हूँ, दो चीजें बताता हूँ। अभी तो फील्ड कर रहे हैं, दो लेक्चर के बाद फील्ड में पोटेंशियल भी करेंगे। तो ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क के फील्ड का फॉर्मूला मोस्टली याद नहीं रहता किसी, मतलब मैं तो बीइंग टीचर भी एडमिट करता हूँ, मुझे भी नहीं याद है। तो अगर याद है तब एक अप्रोच है, और नहीं याद है तब एक दूसरा अप्रोच है। अगर आपको याद है डिस्क के कारण फील्ड का फॉर्मूला जो अभी डिराइव किया था, तब तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये कंप्लीट डिस्क होता तो यहाँ पर कितना होता माइनस इस कैविटी वाले डिस्क का कितना है, वो हमारा आंसर हो जाता। ये बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो फर्स्ट मेथड आप ऐसे समझ लो, इसमें फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बिगर डिस्क माइनस फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉलर डिस्क। अब बिगर डिस्क का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आर की जगह 2R पुट करेंगे, और उस फॉर्मूले में मास m की जगह क्या पुट करेंगे वो ध्यान से देखो। तो यहाँ पर जो मास m है ये कितने एरिया में है, ये एरिया में है पाई इंटू 2R² माइनस आर स्क्वायर, दैट इज आई मीन 2R² सर। वो मार्कर का दिख नहीं रहा है। तो 4 - 1 3 πr² हो गया, यानी कि मास m है विच इज इक्विवेलेंट टू 3 πr² एरिया। तो ये पूरे का मास कितना हो जाएगा, कौन बोलेगा? 4m/3 4m/3 वेरी गुड। और छोटे वाले का मास क्या हो जाएगा? m/3 वेरी गुड। तो बिगर का मास हो जाएगा 4m/3 और स्मॉलर का मास हो जाएगा m/3, और बिगर का रेडियस हो जाएगा 2r और स्मॉलर का रेडियस हो जाएगा r। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये दोनों वैल्यू में मास और रेडियस पुट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एक तरीका है। तो एक बार इस तरीके से फाइनल आंसर तक आओ, जो बोलोगे लिख दूंगा मैं, मैंने ये बार भी करने वाला। तो एक बार इस मेथड से फाइनल आंसर तक आओ, तो 2/3 gmx/r² इनटू ब्रैकेट में 1 x फाइनली मेरा 2 g
m x upon 3 r square. ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 by x का टर्म जाएगा, 1 by x का टर्म जाएगा, तो ये अंडर रूट 4 r square plus x square minus 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 plus हो जाएगा शायद, नहीं ये रहेगा माइनस, नहीं सर माइनस ही रहेगा, और ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट r square plus x square. ये आंसर आया है किसी को? हाँ सर यही आया, सर मेरा भी यही आया, हाँ सर यही, बधाई हो बधाई हो बधाई हो. सर सर मैंने फॉर्मूले से नहीं किया, फॉर्मूले से नहीं किया मैंने, मतलब वो जैसे मुझे देखो, मैं खुद अभी फॉर्मूले से कर रहा था तो मेरा 2 मिस हो गया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुझे नहीं याद रहता ये फॉर्मूला. सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जब हमने डिस्क का फॉर्मूला निकाला तभी हम बस लिमिट्स को r से 2 का डालें फिर हमें नियर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये फॉर्मूला क्योंकि याद नहीं रहता है हमेशा, मेरे से तो नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ कि रिंग का फॉर्मूला रिलेटिवली छोटा है वो याद रहता है, तो रिंग में जैसे किया था वैसा ही फॉर्मूला लगाएंगे, रिंग के केस में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन r से 2r कर देंगे तो भी यही आंसर आएगा. एक बार इसको इरेज करता हूँ फिर उस मेथड से भी करके दिखाता हूँ, सेम आंसर आना चाहिए. इरेज करूँ? हाँ सर. सर एक मिनट वो थोड़ा आंसर लिख रहा हूँ. हाँ लिख ले. इस बार ध्यान नहीं दिया मैंने, तो वो क्या है 10:30 को ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए जल्दी से मैं समराइज कर दूं इसको. सेकेंड मेथड में मैं कह रहा था कि इसमें आप रिंग का फॉर्मूला लिखिए. रिंग का फॉर्मूला होता था जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये फॉर्मूला होता था. तो यहां से सेम स्टोरी, वाई डिस्टेंस पर डीवाई थिकनेस ले लो. y distance पर dy thickness लिखोगे तो इसको de हो जाएगा, इस mass की जगह dm हो जाएगा, ये x यही रहेगा, ये y square ऐसा हो जाएगा, इसको integrate कर दो r से 2r तक, और dm लिखने में dm मेरा हो जाएगा mass per unit area, that is m upon 3 pi r square into 2 pi y dy. ये हो जाएगा मेरा 2m upon 3r square y dy. dm की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बढ़िया आंसर आएगा शायद. आया समझ में सेकंड मेथड?
हाँ सर ठीक है, एक बार फिर से बता दो। हाँ सर, इसका होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा असाइनमेंट, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालकर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पे कितना कर सकते हो। और अगली क्लास से थोड़ी मतलब ये ऐसा था कि ढाई घंटे का करके देखा, थोड़ा लंबा क्लास रखेंगे 3 घंटे का तो और ज्यादा कर देंगे ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी नेक्स्ट वीक से क्लास की बढ़ा दूंगा। अच्छा, इसका डीएम वाला पार्ट थोड़ा मेरे को नहीं समझा। डीएम वाला इसका एरिया कितना है? एरिया 3πr² है, ये बात समझ में आया? हाँ। तो मास पर यूनिट एरिया m/3πr² होगा। हाँ। तो यहाँ पर अगर dy थिकनेस का y रेडियस का लिया तो इसका लेंथ हो गया 2πy और विड्थ हो गया dy, तो 2πy dy इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो केवल इस शेडेड पोर्शन का, ये जो एलिमेंट्री रिंग है इस शेडेड पोर्शन का मास मिल गया। हाँ हाँ तो समझा। हाँ सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैं होमवर्क आपको पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप पे कीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड का कैलकुलेशन अभी और करेंगे। चलिए बाय, थैंक यू सर। घर से बाहर कोई मत निकलना। थैंक यू सर। ओके सर, सब वो कॉपी करना है। हाँ तो कॉपी कर, देखना कुछ तो कुछ नहीं बनना हो जाए। हाँ सर,